और फिर एप्लीकेशंस हमने देखे हैं। एप्लीकेशंस आप लोगों को शो हो रहा होगी स्क्रीन पे। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसको फुल स्क्रीन पे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं और हम यहाँ क्यों पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताए कोई। मेरी आवाज जा रही है ना तुम लोगों को? यस सर आ रही है सर। हाँ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं कोई बताए। अरे नाम में ही दिया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दैट मींस कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। जी जी सर। वेव क्या होती है? तरंग। यस, सबने पढ़ा है, हाई स्कूल में पढ़ा है। दो तरह की तरंगे होती हैं, है ना, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स वेव्स। तो बेसिकली हम लोग ट्रांसवर्स का करते हैं। ट्रांसवर्स का मतलब है कि जो इसमें कंपन होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा के परपेंडिकुलर होते हैं, जबकि लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होता है, जो ऑसिलेशन होते हैं। अच्छा, बाकी लोग जो है अपना माइक म्यूट कर दो, फिर अनम्यूट करके जैसे कुछ मैं पूछता हूँ तो बताना, है ना, क्योंकि ऐसा क्या है जैसे कोई खांस रहा है, किसी को बैक साइड से कोई आवाज आ रही है तो फिर डिस्टर्ब करियो। तो अनुदैर्ध्य के केस में क्या होता था कि जो हमारे कंपन होते हैं, ऑसिलेशंस होते हैं, वो जो हमारी वेव प्रोपगेशन की जो डायरेक्शन होती है, तरंग संचरण की जो दिशा होती है, उसके अनुदिश होते हैं, उसके अलॉन्ग होते हैं। जबकि ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, जो हमारे ऑसिलेशन होंगे वो तरंग संचरण की दिशा के परपेंडिकुलर होंगे। तो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो हमारी ट्रांसवर्स वेव्स हैं। दैट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो ऑसिलेशंस होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के, वो ऑसिलेशंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव प्रोपेगेशन होंगे। ठीक है, आ रहा है ये चीज समझ में? ओके सर। मैं यहाँ मैंने एक फिगर भी ड्रॉ किया हुआ है, देखो ये इसमें से तुम लोगों को समझ में आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम मान लें कि ये हमारी अलोंग वाई डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड डायरेक्शन है, तो जो हमारी वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन है वो हमारी पर इन दोनों के परपेंडिकुलर है, दैट इज इन योर एक्स एक्सिस। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में बोल रहा हूँ कि वाई डायरेक्शन में है, तो ये हमारी जो रेड कलर से शो करी गई है वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक वेव है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड डायरेक्शन में शो करी गई है, ये ब्लू कलर से, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। ये दोनों परपेंडिकुलर हुई कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी वो वाई डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी जेड डायरेक्शन में, दैट मींस बोथ आर परपेंडिकुलर, क्योंकि एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस के परपेंडिकुलर टू ईच अदर है कि नहीं? जी सर। जी, तो इस फिगर से समझ में आ रहा तुम्हें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगी आपस में, और दोनों ही परपेंडिकुलर होंगी वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन के, जो कि हमारी एक्स एक्सिस में है। दैट मींस हमारी वेव ट्रेवल कर रही है, वो एक्चुअल में ट्रेवल कर रही है इन द एक्स डायरेक्शन। जी, अब वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है? तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है, वेवलेंथ क्या होती है? कोई भी वेव है तो उसके जो पैरामीटर्स होते हैं उनमें हम फ्रीक्वेंसी का अध्ययन करते हैं, टाइम पीरियड का अध्ययन करते हैं वेव का, या वेवलेंथ का अध्ययन करते हैं। तो वेवलेंथ क्या होती है, ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मैं बड़ा बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, ये हाई स्कूल के क्वेश्चंस हैं, अभी ये तुम्हारे डिप्लोमा या फाइनल ईयर में तुम पहुंचे हो उसका नहीं है। किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर? उसके द्वारा किए गए कंपनों की संख्या, फ्रीक्वेंसी। तो बेटा कुछ कंपनों की संख्या तो वो अनंत कंपन करेगी, तो पर यूनिट टाइम पे सर, पर यूनिट टाइम में।
फ्रीक्वेंसी को अगर हम डिफाइन करते हैं तो हम डिफाइन करेंगे कि अगर फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज मान के चलते हैं, हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी का मात्रक, तो एक सेकंड में पूरे किए गए कंपनों की संख्या जो होगी या एक सेकंड में पूरे किए गए साइकिल की संख्या जो होगी वो हमारी फ्रीक्वेंसी है एक सेकंड में, ठीक है। तो अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की तो वो क्या हो गई, एक सेकंड में पूरे किए गए कंपनों की संख्या। तो फॉर एग्जाम्पल एक सेकंड में अगर एक कंपन होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बनेगी, एक हर्ट्ज, एफ इज इक्वल टू वन अपॉन टी, टी इज इक्वल टू वन अपॉन टी, तो वन अपॉन टी से टी अगर वन सेकंड है तो फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम बात करते ना कि घरों में जो हमारी सप्लाई आ रही है वो कितने हर्ट्ज की है, 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, दैट मींस उसका टाइम साइकिल क्या है, एक सेकंड या एक चक्कर को पूरा करने में उसे कितना समय लग रहा है, उसे मतलब 50 साइकिल चाहिए एक सेकंड में, एक सेकंड में 50 साइकिल्स हो रही है उसकी। तो अगर हम बात करें कि एक चक्कर को पूरा करने में कितना समय लग रहा है तो हम उसका आवर्तकाल निकाल पाएंगे, दैट इज योर टी टाइम पीरियड। एफ इज इक्वल टू 50 रख दो, 1 अपॉन टी से टी इज इक्वल टू 1 ओवर 50, यहां से तुम्हारा निकल करके आएगा 0.02 सेकंड। इसका मतलब एक साइकिल जो हमारी 0.02 सेकंड में हो रही है। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी टाइम पीरियड जो हमारा कम होता जाएगा। आ रहा है समझ में, एफ इज इक्वल टू 1 ओवर टी, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड तो जैसे अभी हम बात करेंगे ना कि फर्स्ट जनरेशन में जो हमारी जो फर्स्ट जनरेशन है वो कितने कोई बता पाएगा, जो फर्स्ट जनरेशन छोड़ो जीएसएम जो है हमारा ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल 2G, वो कितने मेगाहर्ट्ज़ की बैंड पे काम करता है, या जो हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन है वो किस कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज में वर्क करता है। हम लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं आजकल, 4G चल रहा है, कोई बता पाएगा कि जो फ्रीक्वेंसी है कैरियर फ्रीक्वेंसी वो क्या है, जो हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन किस फ्रीक्वेंसी पे परफॉर्म हो रहा है। देखो ये चीज पता होनी चाहिए तुम लोगों को, मोबाइल फोन सारे लोग यूज कर रहे हो और ये इसलिए भी पता होनी चाहिए क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा, फिर ऑप्टिकल फाइबर में भी जब पढ़ाया तो मैंने बेसिक बेसिक चीजें डिस्कस करी होगी। 2, 2, 3 अरे मुझे फ्रीक्वेंसी, मुझे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ना बताओ, मुझे एक बैंड ही बता दो कौन से बैंड में यूज होता है मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए, कौन सा बैंड यूज होता है ऑडियो फ्रीक्वेंसी। एस बैंड है क्या, क्या बोल रहे हो विकास, एस बैंड? अरे नहीं बेटा, एस बैंड तो तुम पहुंच गए हो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज पे पहुंच गए। रेडियो फ्रीक्वेंसीज पे बेसिकली मोबाइल कम्युनिकेशन जो हमारा है वो रेडियो फ्रीक्वेंसीज पे हो रहा है। रेडियो फ्रीक्वेंसीज का मतलब है 20 किलोहर्ट्ज़ की जो ऊपर की फ्रीक्वेंसीज हैं उनको हम बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसीज। मैंने क्लास में वॉइस फ्रीक्वेंसी की भी रेंज बताई है और ऑडियो फ्रीक्वेंसी की भी रेंज बताई है। क्या होती है वॉइस फ्रीक्वेंसी की रेंज, जो क्लास में रहे हैं सलेहा है, आकाश, वॉइस फ्रीक्वेंसी मैंने बोला भी कि इंटरव्यू वगैरह में बड़ा पूछा जाता है वॉइस फ्रीक्वेंसी की क्या रेंज होती है, 3 समथिंग बताई थी, भूल गए, 300 हर्ट्ज़। नोट कर लो इस चीज को, 300 हर्ट्ज टू 3.4 किलो हर्ट्ज, ये आपकी वॉइस फ्रीक्वेंसी रेंज है। ये वो फ्रीक्वेंसी जो हम बोल लेते हैं, जो ह्यूमंस बोलते हैं। और सर एक बार रिपीट कर दीजिए, 300 हर्ट्ज टू 3.4 किलो हर्ट्ज। और ऑडियो फ्रीक्वेंसीज की क्या रेंज बताई थी मैंने, ये वो फ्रीक्वेंसीज हैं वॉइस फ्रीक्वेंसीज जिनको हम बोलते हैं, ऑडियो फ्रीक्वेंसीज वो फ्रीक्वेंसीज होती हैं जिनको हम सुन सकते हैं, वो क्या है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी की क्या रेंज है, हाँ आकाश, 32 आकाश, ईयरफोन यूज कर रहे हो क्या तुम, अगर तुम ईयरफोन यूज कर रहे हो तो अपना ईयरफोन थोड़ा माइक है उसका ठीक से उसको कनेक्ट कर दो, आवाज जो है तुम्हारी साफ नहीं आ रही। आकाश के अलावा और कोई बताए,
20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, गुड राकेश। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, गुड। जी सर, मतलब ये वो फ्रीक्वेंसी रेंज है जो हम सुन सकते हैं, तो जो हम बोलते हैं उससे अबव की फ्रीक्वेंसीज हम सुन सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हम हारमोनियम है, तबला है, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप उनकी आवाज सुन पाते हो। लेकिन अगर वो मुंह से निकालने के लिए कह दिया जाए तो हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो अबव 3.4 किलोहर्ट्ज की ऊपर की फ्रीक्वेंसीज हैं जिनको आप मुंह से अपने माउथ से नहीं बोल सकते हो। तो अब मैं बात कर रहा था रेडियो फ्रीक्वेंसीज की, तो 20 किलोहर्ट्ज से जो ऊपर की फ्रीक्वेंसीज हैं वो हमारी रेडियो फ्रीक्वेंसीज हैं। अब अगर मोबाइल कम्युनिकेशन की बात करें तो जो हमारा GSM है वो 900 मेगाहर्ट्ज बैंड पे यूज होता है। GSM के लिए हम 900 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी बैंड यूज करते हैं, ठीक है। और आजकल जो वोल्ट आ गया है 4G, उसमें तो 800-700 मेगाहर्ट्ज का एक बैंड दिया गया है, एक 2100 मेगाहर्ट्ज का एक बैंड दिया गया है। ये नोट कर लो, जो 4G चल रहा है इसके 3 बैंड है, एक 700 मेगाहर्ट्ज का बैंड है, एक आपका 18 मेगाहर्ट्ज का बैंड है, और तीसरा जो है वो 2100 मेगाहर्ट्ज का बैंड है। इन तीन बैंड, सो प्लीज रिपीट करते हैं एक बार धीरे धीरे। 700 मेगाहर्ट्ज एक बैंड है, दूसरा 18 मेगाहर्ट्ज का बैंड है, और तीसरा जो है वो 2100 मेगाहर्ट्ज का बैंड है। जबकि GSM जो हमारा ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल्स जो सेकंड जनरेशन था, उसका जो बैंड था वो 900 मेगाहर्ट्ज पे लिमिटेड था। ये अगर मैं मोस्ट प्रिसाइजली कहूँ तो 8900 मेगाहर्ट्ज से 915 मेगाहर्ट्ज, और दूसरा 935 से 965 मेगाहर्ट्ज था। खैर वो जो डिटेल में आएंगे तब बताऊंगा, अभी तो मोटा मोटा समझ लो कि 900 मेगाहर्ट्ज का बैंड जो है वो हमारा GSM के लिए यूज होता था, मतलब 2G के लिए, जो कि बड़ा पॉपुलर रहा पूरे विश्व में। और अब का जो है 3G 4G जो भी प्रेजेंट में हम यूज कर रहे हैं, उसके लिए 3 बैंड अलॉटेड हैं, 700, 1800 और 2100 मेगाहर्ट्ज। जब आप मोबाइल परचेज करते हो तो उस मोबाइल में अगर स्पेसिफिकेशंस देखो तो उसमें लिखा होता है कि आपका मोबाइल जो है वो 2G सपोर्टेबल भी है, 3G सपोर्टेबल भी है, 4G सपोर्टेबल भी है। तो उसमें वो उसके आगे फ्रीक्वेंसी बैंड भी देता है, जो अच्छी कंपनीज होती हैं। अब तो लोग ज़्यादातर अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह से मोबाइल परचेज करते हो ऑनलाइन, तो देखना कभी भी स्पेसिफिकेशंस, उसमें दिया होता है कि मोबाइल जो आपका है वो कौन कौन से बैंड सपोर्ट करेगा। दैट मीन्स जो मोबाइल फोन का में जो सिम है वो कौन कौन से बैंड सपोर्ट करेगा, और जो मोबाइल फोन में एसेसरीज लगे, जो इक्विपमेंट्स लगे, वो कौन कौन से बैंड उसको सपोर्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की चर्चा हो रही थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हमारी, ये हमारी फ्री स्पेस में ट्रेवल करती हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर EM वेव्स, शॉर्ट में इनको EM वेव्स भी बोलते हैं, दैट आर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ वाइब्रेशंस बिटवीन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इन अदर वर्ड्स EM वेव्स आर कंपोज्ड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, जो कि मैंने अभी तुम लोगों को हिंदी में बताया, वही चीज लिखी हुई है कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती है। ऑसिलेशन समझते हो ना? अब ये क्या है? ये ऑसिलेशन है। सर ये कंपन है, मतलब ऑसिलेशन का मतलब। अब फिगर में भी देखो ना, ये ऑसिलेशन हो रखे, दैट मींस ये कंपन का मतलब एक साइकिल पूरी करेगा, फिर वापस से वही अपनी वही रिपीट करेगा वही चीज, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो ठीक है, हम समझ गए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगी, और फिर दोनों ही परपेंडिकुलर होंगी किसके, प्रोपेगेशन के, वेव प्रोपेगेशन के, जो एक्चुअल में हमारी वेव्स है वो इनके दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेगी। ये चीज समझ में आ रही है? जी सर। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई डायरेक्शन में है हमारी, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है, लेकिन जो वेव्स चल रही हैं वो चलेगी एक्स डायरेक्शन में। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से जो बनकर के एक वेव तैयार हो रही है वो एक्चुअल में प्रोपेगेट किस डायरेक्शन में कर रही होगी, वो एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही होगी। ये चीज समझ में आनी चाहिए, दोनों परपेंडिकुलर होंगी और इनके जो प्रोपेगेशन की डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर टू दोनों की होगी।
अगर ट्रांसमिट करते हैं किसी एंटीना से, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरा एंटीना है सेंटर पे, यहाँ से अगर वेव्स प्रोपेगेट करेंगी तो कौन सी डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेंगी, वो एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेंगी, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में होगी हमारी और मैग्नेटिक फील्ड हमारी जेड डायरेक्शन में होगी। जी जी सर, ओके ओके क्लियर हो गया। अब एक पोलराइजेशन टर्म यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है, क्या होता है पोलराइजेशन? इससे पहले भी आया है पोलराइजेशन, हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन, फिर हम बोलते हैं वर्टिकल पोलराइजेशन, हमारा एंटीना हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड है, वर्टिकली पोलराइज्ड है। तो पोलराइजेशन का क्या मतलब होता है? यहाँ हालांकि डेफिनेशन भी लिखी हुई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कोई मुझे एक्सप्लेन कर दे इसका मतलब क्या है। सर ध्रुवण मतलब हाँ, मतलब जैसे कि एक ही जगह से जहां से इलेक्ट्रिक का ओरिएंटेशन हो रहा हो, मतलब कि नहीं देखो बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में तो इलेक्ट्रिक भी फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पोलराइजेशन क्या टर्म है? हम कहते हैं ना हमारा एंटीना जो हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड है, जैसे पुराना एंटीना देखोगे टेलीविजन में, जो एंटीना पुराना एंटीना देखा किसी ने, यागी उडा एंटीना जो यूज होते थे घरों की छत पे लगाए जाते थे, इसको यागी उडा एंटीना बोलते हैं, वो आपका हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड एंटीना होता था। जो आपकी कार वगैरह होती है, कार देखी है, कार सबने देखी होगी, कार में एक वायर सीधे निकली रहती है ऊपर, जी जी सर, वो आपका एंटीना कौन सा एंटीना होता है? वर्टिकली पोलराइज्ड एंटीना, वर्टिकली इंस्टॉल्ड किया गया है, वो हॉरिजॉन्टली इंस्टॉल्ड किया गया है। क्या मतलब है वर्टिकली पोलराइज्ड और हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड का? चलो इसको नोट कर लेना है ना, पोलराइजेशन का क्या है। तो पोलराइजेशन एक्चुअल में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक जो वेव्स हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या ओरिएंटेशन है, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आपकी ऑसिलेट कर रही है, किस डायरेक्शन में उसके कंपन है, वो बताता है आपका पोलराइजेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पोलराइजेशन। तो अगर कोई पूछे कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक्स डायरेक्शन में चल रही है और उसमें की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, तो वो कैसा, हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड है कि वर्टिकली पोलराइज्ड है, तो क्या बताओगे? या चलो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली छोड़ दो, अभी तो मैंने बताया नहीं कि अर्थ के रेफरेंस में क्या है, तो क्या बोलोगे कि पोलराइजेशन किस डायरेक्शन में? ये जो आप तुम लोगों को स्क्रीन पे शो हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसका पोलराइजेशन किस डायरेक्शन में? ये तो एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में कैसे पोलराइज्ड हुई? मैंने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन होगा वही उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पोलराइजेशन कहलाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिएंटेड है तो इसका पोलराइजेशन क्या बनेगा? वाई डायरेक्शन। ठीक है, अभी अगर मैं घुमा दूं इलेक्ट्रिक फील्ड को जेड डायरेक्शन में कर दूं और मैग्नेटिक फील्ड को बोलूं कि वाई डायरेक्शन में, तो फिर ये वेव हमारी कैसे पोलराइज होगी? जेड डायरेक्शन में पोलराइज होगी, जेड डायरेक्शन में होगी। तो ये चीज समझ में आ रही है? तो सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है पूरा, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहीं पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो पोलराइजेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ओरिएंटेशन पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स डायरेक्शन में है तो एक्स डायरेक्शन में पोलराइज हो जाएगा एंटीना, अगर वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वाई डायरेक्शन में पोलराइज हो जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में चीज? ये आगे एंटीनाज में बहुत ज्यादा यूज होता है कि एंटीना हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड है कि वर्टिकली पोलराइज्ड है। उससे क्या होता है ना बेसिकली, क्यों हम अगर बता ये चीज बता सकते हैं कि हमारी वेव जो है वो पोलराइज्ड है एक डायरेक्शन में, तो फिर अगर हम बता सकते हैं कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी और हमारा वेव प्रोपेगेशन किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है जी जी। अब आते हैं मोबाइल कम्युनिकेशन जनरेशन पे, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इंटरेस्टिंग जो तुम लोगों के लिए है। 1G, 2G, 3G, 4G, फिर मैं बोल रहा था बीच में 2.5G भी आया, 2.75G भी आया, 3.5G आया, या 3.9G चल रहा है जिसको हम लोग 4G बोल रहे हैं, एक्चुअल में 3.9G है। तो डिफरेंट जनरेशंस, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हुई, 1980 से स्टार्ट हुआ ये मोबाइल कम्युनिकेशन, फर्स्ट जनरेशन जब आया
तो इसमें जी से क्या मतलब है, जी स्टैंड्स फॉर जनरेशन, कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जी क्या है, जी स्टैंड्स फॉर जनरेशन, विकास ने मेरे ख्याल से बताया था जी स्टैंड्स फॉर जनरेशन जी। तो जो वंजी आया, तो वंजी में जब हमारा वंजी आया फर्स्ट जनरेशन, तो इसके बाद जब हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए आए थे, तो उसका 2G नाम कैसे दिया हमने, हमने उसको 2G नाम दिया कि फर्स्ट जनरेशन में हमने जो डेटा ट्रांसफर की अपनी स्पीड है उसको अचीव कर लिया था 2.54 kbps तक। अब हमने क्या किया, हमने कहा कि अब हमें 2.4 kbps स्पीड से ज्यादा स्पीड का डेटा चाहिए होगा ताकि हम मोर ज्यादा फास्टली चीजों को एक्सेस कर सके। तो हम लोगों ने क्या किया कि नहीं, अब इससे स्पीड हमें बढ़ानी है। अब सोचा गया कि कितना बढ़ाया जाए स्पीड, तो 2.4 kbps थे, हमने सोचा कि अब नेक्स्ट जो हम बढ़ाएंगे तो एटलीस्ट हम लोग 100 kbps तक पहुंचने की कोशिश करेंगे सीधे 2.4 से। तो इन्होंने टारगेट रखा कि हम लोग 100 kbps तक अचीव करेंगे, लेकिन इन केस अगर हमें 100 kbps अचीव नहीं हुआ तो हम क्या कह देंगे उस चीज को, हमने प्रपोज्ड किया था, हमने प्लानिंग करी थी कि हम 100 kbps अचीव करेंगे, लेकिन जब हमने डिजाइनिंग करी, स्ट्रक्चर बनाया, जनरेट, तो कुछ ना कुछ लॉसेस की वजह से, भाई हमें नहीं मालूम फिजिकल मीडियम में किस तरह के क्या लॉसेस एग्जिस्ट कर सकते हैं। वो तो हमने मीडियम बनाया, फॉर एग्जांपल ऑप्टिकल फाइबर हम लोगों ने बनाई, ऑप्टिकल फाइबर में हमने देखा कि ऑप्टिकल फाइबर में लॉसेस हो रहे हैं, लेकिन बहुत कम लॉसेस हो रहे हैं। 100 किलोमीटर पे जाकर के हमें रिपीटर लगाना पड़ रहा है, दैट मीन्स 20 dB का जो लॉस है वो 100 किलोमीटर पे हो रहा है। तो वो ऑप्टिकल फाइबर जब डिजाइन किया, उसमें और कैसे हम जो उसमें डिफेक्ट्स हो, जो उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स जनरेट हो जा रहे हैं, अगर उनको और कैसे कम कर सकें जिससे कि हम और ज्यादा रेंज तक इसको ट्रांसमिट कर सकें बिना बहुत कम अटेन्यूएशन के। तो लिमिटेशन हमेशा रहेंगी, कभी भी आप कोई ऐसी चीज डिजाइन नहीं कर सकते, आइडियल कोई चीज नहीं डिजाइन हो सकती फिजिकल में, वो प्रैक्टिकल में जब आएगी तो कुछ ना कुछ उसमें लॉसेस एग्जिस्ट जरूर करेंगे। ठीक है ना, ये चीज तो समझते हो सारे लोग कि आइडियल केवल थ्योरी के लिए होती है, रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिकल चीजें एग्जिस्ट करती है कि नहीं? जी जी बिल्कुल सर। तो 1G से जब इन्होंने 2G पे गए तो 64 kbps स्पीड इन्होंने अचीव कर ली, लेकिन अब इन्होंने नेक्स्ट टारगेट जैसे 3G के लिए बनाया था 144 kbps अचीव करने के लिए, तो अभी 144 kbps की स्पीड अचीव नहीं कर पाए। जब ये 2G से 3G के लिए गए तो 3G पे 140 kbps अचीव नहीं कर पाए, इन्होंने कितना अचीव किया वहां पर जाकर के, इन्होंने अचीव किया वही 100 kbps के अप्रॉक्स। तो इन्होंने क्या नाम दे दिया उसको, 2.5G आया बीच में, किसके, 2G और 3G के बीच में। क्यों? क्योंकि ये जो एक्चुअल स्पीड चाह रहे थे, जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, उतनी स्पीड इनको अचीव नहीं कर पाए, तो इन्होंने 3G का की बजाय उसको नाम दिया 2.5G। क्यों? क्योंकि मैंने प्रपोज किया था कि 154 मुझे अचीव करना है, लेकिन मैं 154 अचीव नहीं कर पाया, तो मैंने क्या कर दिया कि भाई मैं अभी 3G पे नहीं पहुंच पाया हूं, अभी मैं 2G और 3G के बीच में हूं, तो उन्होंने नाम दे दिया उसको 2.5G। आ रही चीज समझ में? जी सर, जी सर आ रही है। इसी तरीके से 3G और 4G के बीच में 3.5G भी आया है। तुम लोग देखते रहोगे, अभी जब जो लोग 3G मोबाइल फोन यूज करते थे तब HSPA लिख करके आता था, डेटा ट्रांसफर में H लिख करके आता था, ध्यान दिया, जहां पे अभी टावर में जहां पर वोल्ट लिख करके आता है चलो पहले ये बताओ उन एरोज का क्या मतलब है जो दो ऊपर नीचे एरोज बन करके आते हैं, कोई बताए? डेटा से नेटवर्क से रिलेटेड, नेटवर्क आपका हाई है लो? नहीं, नेटवर्क वाला तो बेटा बगल में रहता है, नेटवर्क का तो वो सर डाटा के लिए है। हाँ, डेटा के लिए है। तो दो एरोस क्यों बनी हुई है ऊपर नीचे, दो, एक ऊपर के लिए एक नीचे के लिए, दो एरोस क्यों बनी हुई है? दोनों में ऐसा नहीं कि दोनों ऊपर की तरफ हो, एक ऊपर की तरफ होती है एक नीचे की तरफ होती है कि नहीं? यस सर। तो क्या मतलब है इसका? यस सर, ऐसा होते है। क्या मतलब है इसका? डाटा का ट्रांसमिशन हो रहा है मतलब सर। तो डेटा के ट्रांसमिशन के लिए ऊपर नीचे की दिखाने की क्या जरूरत है, उसके लिए तो डेटा ट्रांसमिशन के लिए एक ही एरो बना देते डॉट डॉट करके, तो बस डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है।
कभी स्पीड हाई होती है कभी लो होती है सर, इसलिए क्या? तो इसलिए ऊपर नीचे बनानी रहती है, तो स्पीड कभी भी फिक्स नहीं रहती, वो तो हाई लो होती रहेगी। वही तो से। नहीं, उसकी वजह से मिलता है। बोथ वे कम्युनिकेशन है ना, आप अपने मोबाइल फोन से कुछ एंट्रीज भी कर रहे हो, दैट मींस आप अपने मोबाइल फोन से इंटरनेट पे कुछ अपलोड भी कर रहे हो, कुछ डाउनलोड भी कर रहे हो, है कि नहीं? जी जी। तो दैट मींस अपलोडिंग और डाउनलोडिंग दोनों के लिए है। आपके मोबाइल से जो डेटा जा रहा है वो अपलोड है, और जो आप इंटरनेट से एक्सेस कर रहे हो वो डाउनलोड है कि नहीं? आपने कोई साइट ओपन करी www.google.com, तो आपने क्या किया www.google.com डाला और google.com का सर्वर ओपन होकर के आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है ना जी। पेज, वो पेज सर्वर से आ रहा है, दैट मींस वो इंटरनेट अगर नहीं है तो गूगल वाला पेज ओपन नहीं होगा। तो गूगल पे आप कुछ भी सर्च करोगे, अगर आपने नेट ऑफ कर रखा है तो दैट मींस कि आपने डाल रहे हो लेकिन वो आपको सर्वर से वापस नहीं आ रहा है, जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है वो डाउनलोड हो रहा है आपकी स्क्रीन पे, वापस वहां से आ रहा है, सर्वर से रिप्लाई करके आ रहा है। अब जैसे कोई मूवीज आप डाउनलोड करते हो तो वो डाउनलोडिंग है, और जब आप खुद YouTube पे कुछ डालते हो, फॉर एग्जाम्पल पोस्ट करते हो, या आपने Facebook पे कुछ मैसेज डाला और आपने डाला, तो वो अपलोडिंग है। तो आप क्या डाल रहे हो वो अपलोडिंग है, और जो आप रिसीव कर रहे हो वो डाउनलोडिंग है। तो आप अपने मोबाइल फोन में डेटा कम्युनिकेशन जो आपका बोथ वे है, टू वे है, इसीलिए उसको एक ऊपर और एक नीचे दिखाया गया, ठीक है? और हमेशा डाउनलोडिंग स्पीड आपकी ज्यादा होती है एज कम्पेरिजन टू अपलोडिंग स्पीड। जी सर। यस सर। जिन्होंने भी अपलोड वगैरह किया होगा उनको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि एक हाँ सर, अभी आप व्हाट्सएप स्टेटस ही डालें तो वो देर में जाता है, और हालांकि कुछ डाउनलोड करना है तो जल्दी हो जाता है। मैसेजेस में तो उतना नहीं पकड़ में आता सर, लेकिन अगर आप कोई एक बड़ी क्लिप यूट्यूब में भी चेक किया, यूट्यूब में भी हुआ है ऐसा, जिसमें वही मैंने कहा जिसने किया होगा उसको समझ में आया होगा। आप अपलोड करते हो तो आपको समय लगता है, एक छोटी इमेज को भी अगर आपको अपलोड करना है तो उसमें आपको समय लगता है, एक वीडियो अपलोड करनी तो आपको समय लगेगा, और रादर देन अगर 700 MB का आपको अगर वीडियो अपलोड करना है तो मे भी आपको काफी समय लगेगा, और लेकिन अगर आप 700 MB का मूवी आप डाउनलोड करो तो आपकी ज्यादा जल्दी से हो जाएगी डाउनलोड, क्योंकि डाउनलोडिंग स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन योर अपलोडिंग स्पीड। क्यों भाई, क्या जरूरत है अपलोडिंग स्पीड को क्यों कम रखा गया, डाउनलोडिंग स्पीड को ज्यादा क्यों रखा गया, कोई बताए? दोनों को बराबर क्यों नहीं दिया गया? बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर क्योंकि इंटरेस्टिंग इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है इसमें जो चीजें हैं वो आप लोग खुद यूज कर रहे हो, हम सारे लोग यूज कर रहे हैं, और वो चीजें जब आपको पढ़ने को आ जाए तो इंटरेस्टिंग नहीं कह रहे हैं ये तो मैं यूज कर रहा हूँ। बाकी सब्जेक्ट में क्या होता है कि आप वो चीज आपको यूज में नहीं है और तो प्रैक्टिकली नहीं देख सकते उस चीज को, लेकिन यहाँ तो आप सारा कुछ अच्छे तरीके से यूज कर रहे हो, और इवन वो भी यूज कर रहा है जो कि नहीं पढ़ा लिखा है तो भी वो भी यूज कर रहा है, लेकिन आप लोग एटलीस्ट तो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। क्या कारण हो सकता है अपलोडिंग का क्यों कम रखा गया और डाउनलोडिंग की स्पीड ज्यादा क्यों दी गई है हमें? इसको बोलते हैं ADSL, एसिंक्रोनस डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। दैट मींस कि एसिंक्रोनस क्यों बोल रहा है कि अपलोडिंग की स्पीड कम दी है, डाउनलोडिंग की ज्यादा दी हुई है, तो भिन्नता है ना, एसिंक्रोनस है, अलग अलग है, इसीलिए एसिंक्रोनस बोला गया है। तो खैर अलग अलग क्यों दिया गया है? इसलिए दिया गया है सर, जैसे अपलोड उसको नए रूप में बदलना? नहीं नहीं, नए रूप में बदलना नहीं। ये कौन पूछ रहा है? सर निधि। हाँ निधि। नहीं, अपलोड करने का मतलब है आपने भाई YouTube का सर्वर है इंटरनेट पे, आपने अपना एक वीडियो बनाया और उसको आपने अपलोड कर दिया। अपलोड करने का मतलब आपके वो मोबाइल में था, आपने अपने मोबाइल से उसको सर्वर में डाल दिया, अब उसको सब कोई देख सकता है, मतलब वो यस सर, वो अपलोडिंग है। मतलब आप अपनी चीज जब सर्वर पे डालते हो तो अपलोडिंग है, जब आप सर्वर से कोई चीज अपने मोबाइल में लाते हो वो डाउनलोडिंग है। जी जी। अपलोडिंग में आपकी स्पीड कम होती है, डाउनलोडिंग की स्पीड ज्यादा होती है, ऐसा क्यों किया गया है, क्यों अपलोडिंग की स्पीड कम रखी गई है और डाउनलोडिंग की ज्यादा दी गई है? सर मतलब जैसे हम अपलोड करते हैं तो उसमें मे भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए हम कोई चीज अपलोड कर रहे हैं तो वो सर्वर में कहाँ जाना चाहिए तो इस वजह से जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन डाउनलोड करने में मतलब वो जहाँ पे वो तुरंत डाउनलोड हो जाती है, कुछ इस तरह हो सकता है। अगर ऐसा है विकास तो सर्वर में तो तुम्हें नहीं पता ना कि सर्वर में यूट्यूब का सर्वर तुम्हारे यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है। YouTube के सर्वर पे से ही तुम अपलोड YouTube सर्वर से तुम डाउनलोड कर रहे हो कोई चीज, और YouTube के सर्वर पे तुम्हें अपलोड करना है,
तो भाई डिस्टेंस तो बराबर हो गई ना, सर्वर से जहां से तुम डाउनलोड कर रहे हो वहीं तुम्हें अपलोड कराना है, तो डिस्टेंस तो बराबर हो गई है कि नहीं? हाँ, तो फिर डिस्टेंस का तो कोई फर्क नहीं है, जहां से आप डाउनलोड कर रहे थे वहीं आप अपनी चीज अपलोड कर रहे हो, तो भी आपको अपलोडिंग में ज्यादा समय लगता है। क्यों समय ज्यादा लगता है? क्योंकि अपलोडिंग की स्पीड कम है। अब अपलोडिंग की स्पीड कम क्यों रखी गई ये मैं पूछ रहा हूँ, एक एक चीज पकड़ के चलो। चलो कोई नहीं, इसका रीजन ये है मतलब, लेकिन अब ये चीजें नोट करते चलो कहीं ना कहीं, क्यों? क्योंकि ये चीजें अभी आगे रिपीट होंगी, फिर मैं क्वेश्चन पुट अप करूंगा, फिर वहां पर नोट कर रहे हैं सारे ही लोग, कुछ कुछ पॉइंट्स है ना, कॉपी पेन लेकर के बैठो नोट करते चलो। उसकी वजह ये है क्योंकि हमें ज्यादातर क्या होता है, सर्वर से डाउनलोड ही करना होता है, अगर देखो तुम देखा जाए तो अपलोडिंग बहुत कम करते हैं हम लोग, है कि नहीं? और अपलोडिंग सारे लोग नहीं करेंगे भाई, हमारे पास फॉर एग्जांपल यूट्यूब को एट अ टाइम 100 लोग यूज कर रहे हैं, 100 के 100 लोग अपनी चीज अपलोड नहीं करेंगे, लेकिन 100 के 100 लोग यूट्यूब देख रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, यूट्यूब के सर्वर से कोई वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं या स्ट्रीम कर रहे हैं, वहां से वो आ रहा है डेटा के माध्यम से, तो वो क्या है एक तरह से भाई स्ट्रीमिंग हो रही, लाइव स्ट्रीमिंग है या कुछ भी है कोई वीडियो, आप सर्वर से तो उसको एक्सेस ही कर रहे हो ना, डेटा पैकेट्स तो आई है, तब तो आपको शो हो रही है वो मूवी जो भी कुछ आप देख रहे हो वीडियो। तो चूंकि एट अ टाइम अपलोड बहुत सारे लोग अपलोड नहीं करेंगे, या हम रेयरली ही बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी चीजें डालते हैं और फिर सारे लोग एक समय पर डालें, ऐसा नहीं होगा, तो उन्हें ये चीज मालूम है कि देखेंगे तो ज्यादा लोग, भाई हम ज्यादातर क्या करते हैं, हम यूज करते हैं ना कि हम प्रोवाइड कराते हैं, तो इसलिए उन्होंने देखा कि बैंडविड्थ का क्यों ना ऐसा किया जाए कि हमारे पास 100 फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 यूनिट की बैंडविड्थ है, तो ऐसा करते हैं कि 70 यूनिट की बैंडविड्थ डाउनलोडिंग में रखते हैं, 30 यूनिट की बैंडविड्थ अपलोडिंग में रखते हैं। इसको ऐसे समझो कि चौड़ा रास्ता है, 100 फिट का चौड़ा रास्ता है, उस 100 फिट के चौड़े रास्ते में मैंने 70 फिट दे दिया डाउनलोडिंग के लिए और 30 फिट दे दिया मैंने अपलोडिंग के लिए। क्यों अपलोडिंग? क्योंकि अपलोडिंग वाले पे कम लोग चलने वाले हैं, मतलब कम लोग अपलोड करने वाले हैं, और डाउनलोडिंग में सारे लोग देखने वाले हैं, है कि नहीं? तो एक तरह से बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन किया है उन्होंने इस तरह से एसिंक्रोनसली इसको डिवाइड करके, ताकि हमारे ज्यादा यूजर जो हैं वो हमारे देखने वाले ज्यादा यूजर हैं, इसलिए यहाँ पे बैंडविड्थ ज्यादा रखे ताकि वो ज्यादा लोग देख सकें, और यहाँ पर चलने वाले कम लोग हैं या यहाँ पे अपलोड करने वाले कम लोग हैं, तो यहाँ पर अगर हम कम थिन रास्ता भी रखेंगे तो भी चल जाएगा, है कि नहीं? हाईवेज में क्या होता है, हाईवेज में बहुत सारे व्हीकल चलने वाले होते हैं, इसलिए हाईवेज चौड़े बनाए जाते हैं, जबकि हम गलियों की या लोकल रोड की बात करें तो वो चौड़ी कम सटरी बनाई जाती है, मतलब उतना चौड़ा नहीं दिया जाता उनको, क्यों? क्योंकि वहां पर ज्यादा व्हीकल नहीं चलने वाले, ठीक है बात है? ओके सर। चलो तो वंजी जो था हमारा, अब यहाँ पे नोट करना कुछ कुछ पॉइंट्स जो यहाँ डिटेल में नहीं है, मैं बता रहा हूँ वो चीजें नोट कर लो। वंजी जो है डाल लो, एक 4 टेबल बना लो, 1G 2G 3G और 4G की। तो 1G जो हमारा, उसमें जो आपका सिस्टम था वो एनालॉग सिस्टम था, पूरी तरीके से एनालॉग सिस्टम था, एनालॉग सिग्नल्स यूज हो रहे थे। एनालॉग का मतलब समझते हो? चलो कोई नहीं, 1G में लिखो एनालॉग सिस्टम, एनालॉग सिग्नल। 2G वाले कॉलम में आओ, तो 2G में हमारा जो सिग्नल है वो डिजिटल सिग्नल यूज होने लग गए। एनालॉग हमारा 1G में था, 2G में जब हम आए तो हमारा डिजिटल सिग्नल यूज होने लग गए। एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में क्या फर्क है? एनालॉग मींस कंटिन्यूअस, एनालॉग कंटिन्यूअस होता है। हाँ, मतलब एनालॉग आपका करंट पे और डिजिटल आपका 0 और 1 पे ऑनली परफॉर्म करता है, ऑफ मतलब यस ऑन। हां, तो डिजिटल जो है एक तरह से हमारा डिस्क्रीट हो गया, या तो 0 या तो 1, मतलब दो ही वैल्यूज रहेंगी, जबकि एनालॉग के केस में 0 to ∞ कोई भी वैल्यू ले सकता है, ठीक है ना? अभी जो मैंने ईएम वेव्स यहां पे शो करी थी पिछली इमेज में, ये हमारा एनालॉग है कि डिजिटल है? एनालॉग सर। एनालॉग था सर, एनालॉग। ये हमारा एनालॉग सिग्नल है। अब मैं कह रहा हूं कि ये कोई भी वैल्यू ले रहा है, कहने का मतलब देखो यहां पे ये वैल्यू कुछ है, अगले पॉइंट पे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ है, फिर आगे बढ़ेंगे तो कुछ है, कोई भी वैल्यू ले रहा है, जबकि डिजिटल के केस में क्या होगा, या तो 0 होगा या तो हमारा 1 होगा। तो
अब जैसे मैं बोल रहा हूँ या रियल वर्ल्ड में अगर हम देखा जाए तो सारी चीजें एनालॉग हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जो बोल रहा हूँ तो मैं पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज बोल रहा हूँ, वॉइस फ्रीक्वेंसी है मेरी 300 Hz से 3.4 kHz बोल रहा हूँ, तो ये जो सिग्नल मैं बोल रहा हूँ जो मैं एयर को पुश कर रहा हूँ वो एनालॉग है। या रियल वर्ल्ड में जो भी चीजें वो एनालॉग सिग्नल एग्जिस्ट करते हैं, रियल वर्ल्ड में आपकी डिजिटल सिग्नल एग्जिस्ट नहीं करते। जब हम कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो वहां पर फिर कंप्यूटर जो है वो आपको डिजिटल सिग्नल जानता है, उसको आप का बोलो खा बोलो तो उसको नहीं जानता हो, उसको तो का और खा की करस्पॉन्डिंग 01 में बता दो कि का के लिए 000 है, खा के लिए 001 है, गा के लिए 010 है, तो वो ये चीज जान जाएगा। तो हमारा मैं बच्चे से ये बोलना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट जनरेशन में था हमारा वो जो सिग्नल है वो एनालॉग सिग्नल यूज हो रहे थे, हम उनको एनकोड भी कर रहे थे तो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसीज के थ्रू एनकोड कर रहे थे, लेकिन जब हम 2G में आए तो हमने सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया। दैट मीन्स अब हमारा सिग्नल 01 की फॉर्म में कन्वर्ट होकर के ट्रांसमिट हो रहा था। तो जब सेकंड जनरेशन में तो यहाँ पे लिख लो कि सिग्नल जो हमारा वो डिजिटल सिग्नल्स हो गए। अच्छा 2G को ग्लोबल GSM भी बोलते हैं, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, और ये वॉइस कम्युनिकेशन के लिए डेडिकेटेडली वॉइस कम्युनिकेशन के लिए डिजाइन किया गया। अब नेक्स्ट जनरेशन है, अच्छा 2G और 3G के बीच में डालो 2.5G। 2.5G बेसिकली था GPRS, जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज के लिए, मतलब मैसेजिंग वगैरह डेटा कम्युनिकेशन 2.5G से स्टार्ट हुआ। ये मतलब पॉइंट करने वाला चीज है कि जो हमारा डेटा कम्युनिकेशन है वो कब से स्टार्ट हुआ, वो हमारा 2.5G जनरेशन से स्टार्ट हुआ। फिर 2.5G के बाद 2.75G भी आया। 2.75G तो सर वो जो पहले जो फोन आते थे छोटे वाले तो उनमें जो मैसेजेस होते थे वो 2.5G से ही स्टार्ट हुए, मतलब उससे पहले नहीं। वो जो फैसिलिटी आपको मिली हमारे इंडिया में तो GSM से स्टार्ट हुआ, 1G तो हम लोग जानते नहीं, हमारे यहाँ कभी यूज ही नहीं हुआ 1G, हम लोग के यहाँ 2G से ही स्टार्ट हुआ, दैट मींस GSM से ही स्टार्ट हुआ। ठीक है, जो हमारे यहाँ मोबाइल फोन आए वो 2G के मोबाइल फोन ही आए स्टार्टिंग से, तो 2G का मतलब है उसके साथ GPRS 2.5G ऐड हो चुका था। इसके बाद 2.75G आया, अगर याद हो किसी को तो ई बन करके, जहां पर मैं बोल रहा हूँ ना डेटा कम्युनिकेशन में, जहां अभी मैं बात कर रहा था H+ देखा होगा तुम लोगों ने, जहां भी वोल्ट लिख करके आता था वहां बीच में ई भी आया है। अभी भी कभी कभी आ जाता है। वो 2.75G है। ठीक है, 2.75 उसको E का फुल फॉर्म है, उसको लिख लो, E का फुल फॉर्म है एज है एक्चुअल में EDGE, इनहेंस्ड डेटा रेट्स फॉर GSM कम्युनिकेशन या GSM इवोल्यूशन, EDGE एज, एज का फुल फॉर्म है इनहेंस्ड डेटा रेट्स फॉर GSM इवोल्यूशन। इनहेंस्ड डेटा रेट्स फॉर GSM इवोल्यूशन। ठीक है, ये हमारा 2.75G है। हालांकि इतना विस्तृत में मेरे ख्याल से जाने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी तुम लोगों को मोटा मोटा बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन एक आइडिया रहा है कि 2G से 3G के बीच में 2.5G भी आया, जिसमें जहाँ से हमें डेटा कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ हमारा, GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज स्टार्ट हुई, मैसेजिंग वगैरह, और मतलब मैसेजिंग और मोबाइल कम्युनिकेशन, अदरवाइज नहीं तो पेजर वगैरह तो पहले ही आ चुके थे, मतलब पेजिंग वगैरह जो सिस्टम यूज़ होता था वो डेटा कम्युनिकेशन के लिए ही था, मतलब मैसेजेस वगैरह वो नेवी यूज़ करती थी, नॉट इंडियन नेवी, US नेवी जो है वो यूज़ करती थी फॉर भाई जो जहाज पे है अब उसको कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ हमें तट से या हेडक्वार्टर से भेजनी है तो पेजर यूज़ होता था, उसके थ्रू वो इन्फॉर्मेशन मैसेज के थ्रू वहाँ पहुँचती थी। अगर आपने हॉलीवुड मूवीज़ वगैरह देखी हुई तो उनके पास होता एक स्क्रीन होती है, वहाँ पर वो मैसेज वगैरह बहुत एनकोडेड हाईली सिक्योर जो मैसेज वगैरह वो उनको थ्रू मैसेज के थ्रू भेजी जाती थी इन्फॉर्मेशन।
खैर वो पेजर सिस्टम वगैरह था, लेकिन मोबाइल कम्युनिकेशन में डेटा कम्युनिकेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो 2.5G से स्टार्ट हुआ। इसके बाद हमारा आया 3G। 3G का एक्चुअल में नाम है UMTS, UMTS यूनिवर्सल मोबाइल टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन। चलो मैं इनको आगे नेक्स्ट स्लाइड बनाऊंगा अपनी, तो उसमें मैं और डिटेल में मैं पूरा इनका दे दूंगा, क्योंकि ये बोलने में बार बार तुम लोगों को नोट करने में भी समस्या होगी, स्क्रीन पे रहेगा तो आसानी से लिख सकोगे। तो ये जिस जनरेशन है समझ गए आप लोग। अब ईच जनरेशन इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ टेलीफोन नेटवर्क स्टैंडर्ड्स। अब देखो 1G से अगर हम 2G पे जा रहे हैं, दैट मीन्स स्पीड, ये सारा कुछ मैटर स्पीड से ही है। अब जैसे हम 5G की बात कर रहे हैं, तो 5G के केस में हमने लिमिट रखी है कि हमें डेटा की लिमिट चाहिए 5 GBPS, 5 GB पर सेकेंड की हम डेटा रेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5G में। अगर ये हमारा अचीव हो गया, दैट मीन्स 5G आ गया, अदरवाइज नहीं तो फिर ये बीच का कहीं अटक जाएगा कि नहीं 5G नहीं आया है। फॉर एग्जांपल हम 5 पे ना पहुंच पाए, 4 GBPS या 3 या 4 GBPS तक पहुंच गए, तो हम कह देंगे कि भाई हम 4.3 4.5 नाम नाम नहीं, जितना नजदीक पहुंचेंगे 5 को वैसे नाम दे देंगे। फॉर एग्जांपल 3.9G में जो वोल्ट चल रहा है या 3.9G चल रहा है, इसके लिए हमने एक्सपेक्ट कर रखा था डेटा स्पीड 1 GBPS डेटा रेट से, लेकिन वो 1 GBPS कभी मोबाइल पे 1 GBPS आता है किसी के? इसलिए मैं बोला मैंने उस दिन की कल बोला कि ये 4G नहीं है, 3.9G है एक्चुअल में। तो अब हम बात कर रहे हैं 5G की, तो 5G के केस में जो डेटा रेट हमने एक्सपेक्ट किया हुआ है वो 5 GBPS का डेटा रेट एक्सपेक्ट किया हुआ है। ठीक है सर, एक क्वेश्चन है। हाँ सर, ये जैसे लिखा हुआ है 2.4 KBPS, तो ये तो पता है किलोबाइट पर सेकंड, लेकिन सर इस तरह डेटा ट्रांसफर होता कैसे, ये नहीं समझ आया हमें। कैसे डेटा ट्रांसफर होता है, क्या चीज इसमें समझ में, 2.4 KBPS है तो कैसे है डेटा, कैसे ट्रांसफर हो, मतलब ये डेटा की स्पीड कैसे बन रही, ये पूछना चाह रहे हो? हाँ, यस सर, यस सर। देखो फॉर एग्जांपल ये KBPS क्या है, किलो बिट्स, अगर ये कैपिटल बी में होता तो बाइट हो जाता, तो KBPS हाँ सर, किलो बिट्स पर सेकंड, किलो बिट्स पर सेकंड, दैट मींस 2400 बिट्स पर सेकंड। ठीक है, एक सेकंड में कितनी बिट्स ट्रांसमिट होंगी, 2400 बिट्स ट्रांसमिट हो रही हैं एक सेकंड में, आ रहा है समझ में? जी जी सर। अब जी सर, जी सर। अब तुम लोग बिट्स क्या हैं, तो अब मैं अभी देखो, जैसे मैंने वेव दिखाई थी यहाँ पे, ये इस वेव में अभी मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल मैं मान लू कि ये 1 सेकंड है, एक मिनट के लिए हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारी 1 सेकंड है। 1 सेकंड, ठीक है। इस 1 सेकंड में अभी अगर हम बात करें वेव्स की, तो कितनी वेव ट्रेवल कर रही है, एक सेकंड में कितना साइकिल हो रही है, एक साइकिल हो रही है ना, एक कंप्लीट साइकिल हो रही है, जा करके ये कंप्लीट साइकिल बन रही है, एक सेकंड में एक साइकिल हो रही है। ठीक है, एक सेकंड में आप कहोगे कि एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, लेकिन अगर मैं बात करूं डिजिटल सिग्नल की, तो एक सेकंड में कितने बिट्स ट्रांसमिट करेंगे, बिट्स का मतलब 0 1, ठीक है, 0 1। ओके सर, तो अगर एक सेकंड में इनफिनिटी हो सकते सर, एक सेकंड में अगर 2400 बिट्स ट्रांसमिट हो रही है, बिट्स मतलब समझ लो ना, दैट मींस या तो 0 या तो 1, 0 1 0 1 करके इस तरीके से अगर 2400 बिट्स एक सेकंड में ट्रांसमिट हो रहे हैं, दैट मींस कि डेटा रेट हमारा 2400 बिट्स पर सेकंड है। ओके सर, अब प्रैक्टिकली समझो इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल तुम एक इमेज जो है वो सर्वर से डाउनलोड कर रही है, इमेज का साइज दिया होता है, जी सर दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल 2.3 MB या फिर ऊपर से KBPS में भी होती है। हाँ ठीक है, हम लेकर के चल रहे हैं कि एक इमेज है जिसकी साइज जो है उसका 5 MB की इमेज है जो कि तुम डाउनलोड कर रही हो। अब अगर तुम्हारा नेटवर्क, अगर ये 5 MB की इमेज पर सपोज करो कि तुम्हें 1G या 2G में डाउनलोड करनी होती, जब 1 जनरेशन और 2 जनरेशन चल रही थी, तो कितनी की स्पीड मिल रही थी तुम्हें, 2.4 KBPS की स्पीड मिल रही थी ना, जी सर। कितने सेकंड में डाउनलोड होती है 5 MB की इमेज, 2.4 को राउंड ऑफ कर लेते हैं, 2.5 KBPS, ठीक है। तो 5 MB
कि इमेज को तुम्हें डाउनलोड करना है किस स्पीड से, 2.5 केबीपीएस की स्पीड से, तो कितना सेकंड लगता तुम्हें इसे डाउनलोड करने में? 50 5 MB का मतलब हो गया 1 MB में कितने केबी होंगे? क्यों 10 से 24 राउंड ऑफ करके 1000 मान लेते हैं, तो 5 MB का मतलब हो गया 5000 KB, ठीक है जी, हो गया ना 5 MB का मतलब 5000 KB हो गया ना? यस सर। 1 MB अगर हमारा 1000 KB है या 20 सेकंड के समथिंग अराउंड सर, कितना से समय लगेगा? 20 सेकंड नहीं बेटा, 5000 डिवाइडेड बाय 2.5 करना है तुम्हें, 2.5 KB नीचे KB हो गया, ऊपर KB हो गया, तो 5000 डिवाइड बाय 2.5 KB, बताओ कितना समय लगेगा? 200 सेकंड लगेंगे तुम्हें, 2000 सेकंड, हाँ 2000 सेकंड्स लगेंगे, सेकंड्स को तुम्हें घंटे में मिनट में बदलना बदलना, लेकिन 2000 सेकंड्स का मतलब समझ रहे हो? अप्रॉक्स 4 मिनट लगेंगे, अप्रोक्सीमेटली 4 मिनट नहीं और ज्यादा बेटा, 1 मिनट में 60 सेकंड तो होते हैं, तो 2000 डिवाइडेड बाय 60 करोगी तो 200 डिवाइडेड बाय 6 30 मिनट के करीब, मोटा मोटा मान लेते हैं 30 मिनट, ठीक है ना, 30 मिनट कैलकुलेशन में गलती कर दी थी। तो 5 MB की इमेज अगर तुम्हें 1G में डाउनलोड करनी होती तो कितना समय लगता? 30 मिनट, मतलब डाउनलोड करके छोड़ के चले जाओ, आधे घंटे टहल करके आओ तब जाकर तो डाउनलोड होगी, 33.33 सेकंड मिनट, ठीक है, मतलब मोटा मोटा हमने निकाल लिया 30, आधे घंटे का समय, मतलब मोटा मोटा 5 MB की इमेज को डाउनलोड करने में तुम्हें आधे घंटे का समय लगता अगर 1G में होते तो, ठीक बात है, समझ पा रहे हो इस चीज को? जी सर, जी सर। जैसे जैसे डेटा रेट्स हमारा बढ़ता जा रहा है, हम 1G से 2G में आ गए, 3G में आ गए, 4G, इसका मतलब क्या हो रहा है, अब वो जो टाइम डाउनलोडिंग की टाइम ड्यूरेशन है वो हमारी कम होती जा रही है, ये हम कह रहे हैं फास्ट होता जा रहा है नेटवर्क हमारा, हमने क्लिक करी अब तो ये बात है कि 5 MB की इमेज तो क्या है, आपने क्लिक किया और मेरे ख्याल से विद इन सेकंड्स में डाउनलोड हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अब MBPS की स्पीड मिल रही है आपको, फॉर एग्जाम्पल 5 MBPS की स्पीड अगर मेरे मोबाइल पे आ रही है, 5 MB की इमेज डाउनलोड करनी, 5 MB डिवाइडेड बाय 5 MBPS कितनी बनी? 1 सेकंड में डाउनलोड, 1 सेकंड घड़ी की जो सेकंड वाली सुई है वो 1 टिक से टिक हुई डाउनलोड होगी। अब अगर GBPS की स्पीड मिल जाएगी तो समझो तुमने 5 MB वो भी नैनो में पहुंच जाएगा, मतलब पलक झपकते हो तो हो गया डाउनलोड हो गई। तो ये चीज समझ में आती है, जैसे जैसे आप हायर जनरेशन की ओर जा रहे हो आपकी डेटा रेट्स जो है वो बढ़ता जा रहा है, और डेटा रेट्स बढ़ता जा रहा है नेटवर्क आपको फास्टर हो जा रहा है, अब आप तो हाई डेफिनेशन के वीडियो भी डाउनलोड कर लो आपके विद इन सेकंड्स में हो जाते हैं, है कि नहीं? तो आ रही है चीज समझ में? जी सर, आ गई। यस सर। चलो और किसी का कोई क्वेश्चन है? ये एक टेबल मैंने वैसे बनाई थी 1G 2G 3G 4G 5G के कंपैरिजन के लिए, तो देख लो स्क्रीनशॉट लेना हो ले लेना, इसको एक मोटा मोटा एक आइडिया रहेगा कौन सी जनरेशन कब आई, जैसे कि 1G जो है 1970-1984 तक चली और इसके बीच में एक 2G आ गई, 3G, फिर 4G 5G जैसे कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में फिलहाल में भी 5G नहीं आई है, लेकिन अगर हम ओवरऑल ये हम ग्लोबल लेवल पे बात कर रहे हैं ना, ग्लोबल की ऑल ओवर वर्ल्ड में 5G टेक्नोलॉजीज आ चुकी है कि नहीं आ चुकी है? देखो ये 4G में LTE दिया हुआ है, 4G में LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ये टेक्नोलॉजीज होती हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, 2G में GSM है, 3G जो है वो CDMA बेस्ड रही, W मतलब वाइड पोर्ट डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज किस फ्रीक्वेंसी बैंड कौन कौन सा यूज हो रहा है। 5G सर 2010 और 15 में हो गया था क्या, इससे का वर्क चल रहा है ना? 2010 से 2015 के बीच में इसको स्टार्ट कर दिया गया था ना, 2010 के बाद से इस पे वर्क स्टार्ट कर दिया गया था अपने देश में जापान कोरिया वगैरह में, तो हालांकि वो 15 से भी थोड़ा समय लग गया, लेकिन वहां तो फिलहाल चालू हो गई है ना, अपने इंडिया में भी समय लगेगा, समय इस वजह से भी लगेगा क्योंकि भाई 4G का नेटवर्क पूरा सेटअप हो रखा है, 5G के लिए हमें पूरा ऑप्टिकल फाइबर ही चाहिए, लेकिन जो कॉपर वायर पड़ा है उसको पूरी तरीके से तो आप नहीं चेंज कर सकते ना, हालांकि चेंज कर सकते हो, लेकिन फॉर एग्जाम्पल तुमने एक कंपनी डाली अपनी, अब आज तुमने 4G के हिसाब से कंपनी बना करके अपना नेटवर्क बिछा दिया, कॉपर वायर डाल दी, अब कल को 5G आ गई, 5G करेगी ऑप्टिकल फाइबर डालो, तो पता चला तुमने कॉपर वायर जितनी डाली जितने पैसे की वही तुम्हारी नहीं निकल रहा है, और ऑप्टिकल फाइबर नया खरीदो और उसको डालो,
तो उसको खरीदो, पहले तो खरीदने में पैसा लगेगा, फिर उसको खुदाई करके वापस उसको भी डालो, जो कॉपर वायर उसको निकलवाओ, तो इस सब में क्या पैसे खर्च होने वाले। तो पता चला 1 करोड़ में तुमने कॉपर वायर डाला था, अब पता चला 50 लाख रुपए तुम्हें खुदाई नहीं डालने हैं और फिर ऑप्टिकल फाइबर खरीदना है। तो कहने का मतलब डिले इस वजह से भी हो जाता है क्योंकि कंपनी जो है वो कैसे उसको अडॉप्ट कर रही है। कुछ कंपनी जैसे कहती है कि ठीक है हमारा रिकॉर्ड, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या, अगर 5G के लिए कोई नई कंपनी खड़ी हो जाए भाई, उसको अपना नया सब कुछ डालना है, तो वो ऑप्टिकल फाइबर लेकर के डाल देगी तुरंत, उसके लिए समस्या नहीं आएगी, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उनको समस्या आएगी। इसी का फायदा लिया रिलायंस ने जब ये 4G लॉन्च किया इन्होंने, तो BSNL के पास कॉपर वायर पूरी पड़ी हुई है, वो कॉपर वायर निकाल करके तो ऑप्टिकल फाइबर ले नहीं कर सकता, लेकिन रिलायंस ने उसको नया नेटवर्क बनाना था, पूरा ही स्टार्ट करना था, तो उन्होंने ऑप्टिकल फाइबर डाल करके, इसलिए आज सब लोग 4G को यूज भी कर रहे हो और सब जगह रिलायंस ही है ज्यादातर। खैर वो तो बिजनेस की चीजें हैं, टेक्निकल चीजों में जो है सही, इसमें ये जो एक्सेस सिस्टम दिया हुआ और कोर नेटवर्क, तो सही ये मल्टीपल एक्सेस पे दिए हुए, इसका मतलब क्या है मुझे समझ नहीं आया। फ्रीक्वेंसी डिवीजन, मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स होती हैं कि आप फॉर एग्जांपल मैं एक कॉल इनिशिएट करने वाला हूं, तो भाई ऐसा तो है नहीं कि जो नेटवर्क प्रोवाइडर है उसके पास अनगिनत चैनल है, उसके पास लिमिटेड चैनल्स होते हैं। अब उसके पास कितने, अब फॉर एग्जांपल उसको दिए गए हैं, उसने हर साल आप लोग देखते होंगे ना टेंडर होता है, ऑक्शनिंग होती है बैंड्स की, तो कहते हैं कि रिलायंस ने इस बार सबसे ज्यादा बैंड खरीदे हैं, तो बैंड का मतलब है बैंडविड्थ ली है उन्होंने सरकार से खरीदी हुई बैंडविड्थ, और उस बैंडविड्थ से वो क्या करते हैं चैनल बनाते हैं। ये आएगा डिटेल में आएगा, लेकिन फिर भी मोटा मोटा भी समझ लो, इसको ऐसे समझ लो कि अगर फ्रीक्वेंसी बेस पे हम चैनल अलॉट करते हैं तो FDMA है। वैसे तुम लोगों ने मल्टीपल एक्सेस टेक्निक पढ़ रखी है, टाइम डिविजन मल्टीपल एक्सेस FDMA CDMA पढ़ा नहीं तुम लोगों? यस सर, यस कंज्यूमर में पढ़ा था, PCE में पढ़ा होगा, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा। तो TDMA क्या है, टाइम के बेसिस पे हमें बात करने की हम परमिशन देंगे। फॉर एग्जांपल विकास अभी बात कर रहा है गौरव से,